पे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कल ऑप्शन को हम लोग सेल करेंगे 39,000, मतलब यहाँ से अगर नीचे जाते हैं हम लोग कल बाई नहीं करके सेल करने की कोशिश करते हैं, तो 39,000 का सी आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा तो, है ना, सबसे पहला चीज। तो हम लोग क्या करें, 39,000 CE को हम लोग क्या करेंगे, कल सेल करेंगे। जैसे सेल करने जाते हैं अपने से क्या होता है, अमाउंट बहुत ज़्यादा मांगता है, 1,51,000 रुपये मांग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इस पोजीशन को हेज करके कल ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि अपने पास इतना कैपिटल नहीं है और हम लोग रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो इसको क्या करते हैं हम लोग हेज करेंगे। तो अभी फिलहाल ये मार्जिन मांग रहा है कितना, 1,37,000 रुपये, इसको हम लोग क्या करेंगे, हेज करेंगे। किससे हेज करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि 39,000 का जो प्रीमियम वैल्यू है कितना चल रहा है, 523, जिसका डेल्टा कितना है 58। तो प्रीमियम वैल्यू जिसका ज़्यादा है इसको हम लोग किससे हेज करेंगे, जिसका प्रीमियम वैल्यू कम होता है, कि वो अगर वो जीरो की तरफ जाता है तो वो बाई का वो पोजिशन जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, लेकिन जो सेल किया उसका वैल्यू ज़्यादा है प्रीमियम का, तो कुछ ना तो कुछ बचेगा अपने पास दोनों जीरो होने से, ठीक है। तो साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, किसी से भी हम लोग हेज कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, दूर का अगर हम लोग हेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग समझिए 40,500 को हेज करें, मतलब इसको बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको बाई करेंगे तो इसका डेल्टा वैल्यू कितना चल रहा है, 0.10 पैसा, यानी कि अगर अपोजिट 100 रुपीज़ का अगर मूव आता है तो आपको ये क्या मिल रहा है, 10 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल रहा है, मतलब आपको कितना 250 रुपये का प्रॉफिट देगा बाई के वो। लेकिन उसी जगह इसको सेल किया अगर ये अपोजिट जाता है तो ये कितना 58 का, मतलब आपको 1,450 रुपये का आपको लॉस देने लगेगा, जहाँ पर मुझे ऐसे कैलकुलेट किया था ना, 1,450 तो 1,450 हो जा रहा है, तो आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट कम है। लेकिन वही उसी जगह पे अगर आपके साथ साथ आप चाहते हैं मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे अगर ये मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा,